नमस्कार दोस्तों, प्रतीक वासाणी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया हमारा फार्मिंग ब्लॉग लेके आए हैं। तो ये देखिए, जो गुटली हमने डाली थी ऐसी हो गई हैं, पहले पूरे काले पत्ते थे, अभी पूरे ग्रीन हो गए हैं। इसको हम बैग में डालेंगे, पहले भी आपको वीडियो में बताया था, बैग में डाल के फिर बेड में डाल देंगे, उसके ऊपर फिर हम कलम लगाएंगे इसकी। तो अभी हमारे जो भैया हैं यहाँ पर, लेबर हैं जो वाड़ी पर, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा फूक का इफ़ेक्ट आया है, तो देख लेते हैं, आपको वीडियो में आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, दोस्तों ऐसा मत कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये जो है, ये फूक का इफ़ेक्ट है, पता नहीं क्या है। ऊपर वाला जो वहाँ पे प्लॉट है, वहाँ पे ज़्यादा हुआ है ये। अभी कल हम इसमें BASF का जेलोरा आता है, वो डालेंगे इसमें। कल बारिश नहीं होगी तो इसमें पानी चला के डाल देंगे। फ्लड इरिगेशन है हमारा, है थोड़ा कम है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये सब जो गुटलियाँ हैं वो अल्फांसो यानी कि आफूस और केसर का दोनों मिक्सचर है, मतलब थोड़ी बहुत केसर है और थोड़ी आफूस है। वो पीछे है वो देसी गुटलियाँ हैं, लास्ट थीन के जो रो है वो उधर। इसमें असर दिख तो नहीं रहा है फूक का, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। भाई वो बोल रहा था तो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत है। यहाँ पे थोड़ा है वो इफेक्ट जो फूक का आता है वो, ये देखिए इधर है थोड़ा। ये सूख चुके हैं, ये भी सूख चुके हैं, इसमें देखते हैं क्या है। दिख तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम डाल देंगे इसको, पूरा कर देंगे ठीक से। इसमें तो नहीं है लेकिन ये देसी गुटलियाँ, ये सब हैं देसी गुटलियाँ हैं, इसमें भी उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा हुआ है दूसरों के मुकाबले। ये प्रॉब्लम हुआ है, देखिए ये ऐसे पत्ते सिकुड़ जाते हैं। अब तो इसका जो मेन जो है वो अच्छा है, तो इसमें नए पत्ते आएंगे, कल हम इसमें डाल ही देते हैं BASF का जेलोरा जो आता है वो। ये जो हमने रखा है पूरा खाली है, इधर हम शेड बनाएंगे, इसके ऊपर नीचे सब ये सब रहेगा, प्लांट्स तैयार हो जाएंगे वो। वहाँ पे थोड़ा जगह कम है, कंजेस्टेड है, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जो पुराना वाला प्लॉट है वो आपको कोकोनट ट्री डिस्क उसके पीछे है। ये देखिए मेरे पैर पूरे धस चुके थे ज़मीन में, ज़मीन पूरी गीली है अभी तक, अभी इसमें चलना थोड़ा मुश्किल है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। ज़्यादा है थोड़ा, फोटो भी निकाल लेते हैं एक, इधर ट्राई करते हैं चलने का। चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा थोड़ा, यहाँ पे तो थोड़ा है, इधर सकते हैं मिट्टी, उधर थोड़ा वो जो पड़ा है मिट्टी वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था। जो चलते हैं देखो, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो गुटलियाँ रह गई थी हमारी, उसमें भी गुटलियाँ निकल आई हैं कॉटन के सीड्स के साथ। ये देखिए, ये सब उसके पत्ते हैं, समझ लो 20 टन में हमने जो गुटलियाँ मंगवाई थी फैक्ट्री से, उसमें से 8 टन तो ये सब इसके जो छिलके थे वो निकल गए। अभी इधर थोड़ा थोड़ा हो गया है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इधर भी गुटलियाँ जो पड़ी थी ऐसे वेस्टेज, वो उग चुकी हैं बारिश के कारण। तो ये जो नुकसान हुआ है वो दीवार पूरी गिर चुकी है पास वाले खेत में, बारिश इतनी ज़्यादा हुई, एक ही दिन में 7 से 8 इंच बारिश हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए ये सब नुकसान हुआ है।
थोड़ा यहाँ पे गीला आ रहा है, मुझे लगता है चलने में दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। होगी 100% होगी चलने में दिक्कत, अगर ना हो तो अच्छा है। ये सब घुटनियाँ अभी जो ज़मीन में होती तो उग जाती, लेकिन ऊपर रहेगी इसलिए सनलाइट के कारण इसमें थोड़ी गर्मी बढ़ गई हो, पूरी उसका अंदर जो बीज आता है वो ख़राब हो गया। अभी इसमें देखिए यहाँ पे चलने में ये गदस जाता है पैर अंदर, थोड़ी गीली मिट्टी है यहाँ पे। यहाँ पे इसके ऊपर चलते हैं, कैसा है ये, यहाँ पे तो थोड़ा गीला है। अरे पापा ये देखिए यहाँ पे बहुत गीला, ये देखिए कितने पैर अंदर धस जाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और नए नए वीडियो हम ला सकें। इस वीडियो में थोड़ा हम गिर गए, वो पोर्शन हम काट देंगे। चलो दोस्तों जय हिंद।